तो इंडिया और श्रीलंका फाइनल होने वाला है एशिया कप का अपना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच यहाँ से रहेगा। अब इस मैच को लेके क्या प्रेडिक्शंस है क्या नहीं, कुछ बड़े प्लेयर्स भी इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है, जब श्रीलंका की तरफ से आपको महेश तीक्ष्णा खेलता हुआ नहीं दिखेगा, इंडिया की तरफ से आपको अक्षर पटेल खेलता हुआ नहीं दिखेगा। अब टीम पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नहीं, अब उनकी जगह पर जो आए हैं उनको अपन ने टीम में रखना है या नहीं रखना है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना एंड साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी देखो बात करें अपने मैच की, तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ही ये जो मैच वो होने वाला है, 3 बजे रहेगी इस मैच की हेडलाइन। बाकी बात करें देखो अपने ग्राउंड की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भाई बैटिंग फर्स्ट करना अच्छा होता है, ठीक है, और ये सेम पिच रहने वाली है जो इंडिया से बांग्लादेश की थी। तो अब यहाँ पर तो वैसे ही ऑलरेडी पता चल चुका है इंडियन टीम को कि भाई अगर टॉस वो जीतते हैं तो उनको पहले बैटिंग ही लेनी चाहिए, ठीक है। अब अगर श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट मत करना एक तो, ठीक है, कि भाई अगर श्रीलंका आ गई पहले बैटिंग करने तो चलो कोई बात नहीं, इंडियन टीम फिर भी जीत जाएगी, वो हम चीज़ हमने इंडिया से बांग्लादेश में देख ली है। तो यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी ऑब्वियसली एक एडवांटेज में यहाँ पर रहने वाली है। बाकी 134 में 79 बैटिंग फर्स्ट और 55 जीते बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। पिछले कुछ मैचेस में अगर हम विकेट्स देखें तो ऑब्वियसली जो स्पिनर के विकेट हैं वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं। इस अगर मैं एक मैच को छोड़ दूँ जहाँ पर भाई सारे विकेट स्पिन को ही मिल गए थे, 16 विकेट, तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो 4 से 6 विकेट स्पिन के हमें देखने को जो है मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 6 विकेट थे, यहाँ 4 विकेट गिरे, यहाँ पर 6 विकेट गिरे, और जो मोस्टली विकेट आते हैं वो आते हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है। सेकेंड इनिंग स्पिन के जो विकेट होते हैं, तो सेकेंड इनिंग स्पिन के जो विकेट होते हैं वही बहुत ज़्यादा काम के यहाँ से आपको जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अंडर द लाइट्स, हमने पिछली बार पिच रिपोर्ट में पढ़ा था इंडिया से बांग्लादेश में कि भाई अंडर द लाइट जो विकेट्स हैं स्पिन के वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं, तो आज के लिए भी जो सेकंड इनिंग के स्पिनर्स रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्कोर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपको भाई 250, 260, 270 के आसपास जो देखने को मिल सकता है, उससे कम की उम्मीद अंबर को है नहीं। सेकंड इनिंग में हो सकता है कि भाई जो भी टीम आए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो श्रीलंका, वो जल्दी ऑल आउट हो जाए, बट फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम कहीं ना कहीं वो 250, 270 के आसपास का टोटल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम 4 मैचेस में विकेट्स की बात करें तो स्पिनर के विकेट ही थोड़े से ज़्यादा रहे हैं, पहली इनिंग में 15, सेकेंड इनिंग में 17 विकेट है, मतलब भाई ठीक है दोनों इनिंग में ठीक है स्पिन के विकेट। वैसे आपको ये टोटल बराबर इसलिए भी देखने को मिल रहा है वो सिर्फ इस एक मैच की वजह से, अदरवाइज अगर हम बाकी मैचेस देखें तो आपको सेकेंड इनिंग में ही थोड़े ज़्यादा विकेट देखने को मिलते हैं स्पिन के, ठीक है। बाकी पेसर्स की बात की जाए तो पहले इनिंग में 12 और सेकंड इनिंग में आपको पेसर्स के भाई 16 विकेट यहां से देखने को मिल जाते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इंडियन टीम से जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी, अक्षर पटेल बाहर हो चुका है, उनकी जगह पे वॉशिंगटन सुंदर को जो है रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया गया है। अब बाकी रोहित शर्मा और गिल आपको यहां से ओपन करते हुए दिख जाएंगे। अब भाई चेन टूटी रोहित शर्मा की, तो मैं चाहता था कि फ्लॉप हो अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना श्रीलंका के अगेंस्ट में, चलो कम से कम मारेगा 53, 56, 74 उससे पहले स्कोर था। बाकी शुभमन गिल भी ये भी कहीं ना कहीं अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो ऑब्वियसली टीम में लेना तो मस्ट पिक होगा। बाकी बात की जाए विराट कोहली की, उन्होंने भाई इस ग्राउंड पर काफ़ी सेंचुरीज लगाई है, सिर्फ ये एक मैच है जिसमें विराट कोहली फ्लॉप रहा है, अदरवाइज उसके जो पिछले 4 मैच है, 4 से 5 मैच है उसमें सेंचुरी ही सेंचुरीज है, ठीक है इस ग्राउंड पर। बाकी अगेंस्ट श्रीलंका भी काफ़ी अच्छा एवरेज है विराट कोहली का। देन आते हैं केएल राहुल और ईशान किशन, तो आज के लिए आपको तिलक वर्मा वगैरह तो खेलते हुए दिखेंगे नहीं, वो सर पिछले मैच की कहानी थी, तो इन दोनों में से एक को ले सकते हो ईशान या केएल में से। बाकी यहाँ से हार्दिक पांड्या जहाँ तक मैं मानता हूँ मस्ट पिक रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें करेगा। एंड उसके बाद में आता है यहाँ से जड्डू का नंबर। अब जड्डू से बैटिंग से तो उम्मीद है मेरे को नहीं है, बट हाँ बॉलिंग से ये 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी शार्दुल ठाकुर पिछला मैच चल गया भाई अच्छा खासा, जीएल में सीबीसी आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी यहां से मोहम्मद सिराज है कुछ बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं रहे, तो आज के लिए एक चीज और होती है आपको दिख सकती है कि भाई आपको सिराज की जगह पर मोहम्मद शमी देखने को मिल जाए, जो कि पिछले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग करके गए थे, ठीक है। वैसे इस चेंज के चांस कम है बट हो सकता है। बाकी यहाँ से जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव जो अपने स्मॉल लीग टीम के लिए मस्ट पिक जो है दोनों ही प्लेयर्स रहने वाले, और कुलदीप यादव स्पेशली आपके लिए सीवीसी बनेगा आपके स्मॉल लीग टीम के लिए, इनकेस अगर इंडिया पहले बैटिंग करने आ जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि कुलदीप यादव को सेकंड बॉलिंग मिलेगी और सेकंड बॉलिंग में स्पिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो यह है इंडिया की तरफ से जो पूरी एक प्लेइंग 11 रहती है,
ठीक है। अब ये जो एक प्लेस है यहाँ पर भाई, शार्दुल ठाकुर की जगह पर आपको हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर यहाँ से देखने को मिल जाए। और हाँ, अब देखो अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा ना तो उसी से एक फ़र्क पड़ने वाला है, और वो फ़र्क यहाँ से क्या पड़ेगा कि भाई आपको ना श्रीलंका की तरफ से जो उनके ओपनर्स हैं वो जल्दी जाते हुए यहाँ से दिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो पावर प्ले बॉलिंग करेगा श्रीलंका के ओपनर्स के लेफ्ट हैंडर है इस वजह से। बाकी अगर इंडिया के बेंच प्लेयर की बात की जाए तो उसमें अक्षर पटेल जो खेलेंगे नहीं, बाकी श्रेयस अय्यर है, चांस इनके भी कम है। मोहम्मद शमी हो सकता है भाई खिला लिए जाए, पिछले दो मैच में एक और दो विकेट मोहम्मद शमी निकाले हैं। सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्ण नहीं खेलने वाले हैं। और वॉशिंगटन सुंदर का आप रिसेंट यहाँ से देख सकते हो, 11 रन 3 विकेट 37 रन 1 विकेट 12 रन 0 2 विकेट और यहाँ से 9 रन 0 विकेट, तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा 50-50 टाइप यहां से वॉशिंगटन सुंदर का अभी तक रहा है। बट ये देख लेना कि इन केस अगर खेला तो पावर प्ले में डालेगा, और यहां से जो श्रीलंका के कुशल परेरा रहेंगे उनके जल्दी आउट होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। पांतुम निशान का परेरा ओपन करने वाले हैं, दोनों में से किसी एक को स्मॉल लीग के लिए जरूर रख लेना, चाहे फिर वो पांतुम निशान का हो चाहे कुशल परेरा हो। बाकी उसके बाद में यहाँ से कुशल मेंडिस है। अब कुशल मेंडिस की देखो पिछले 4 इनिंग क्या जबरदस्त आई है, और ये जो एक फेलियर आया ना कुशल मेंडिस का, ये सिर्फ अगेंस्ट इंडिया आया है, ठीक है। कुशल मेंडिस का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट जब बात अगेंस्ट इंडिया खेलने की आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मात खा जाते हैं, वहाँ एवरेज इनका काफ़ी कम है। बाकी सदीरा समारा विक्रमा जो मेरे को अभी तक काफ़ी सही लगे, मेरे लिए तो एक पिक यहाँ से रहने वाले, तो ऑब्वियसली आप भी रख सकते हो। बाकी चरित असलान का, अब देखो असलान का की बॉलिंग का भाई कोई भरोसा नहीं है, ना उसने पहले बॉलिंग कराई थी ना उसने अगले मैच में बॉलिंग कराई, सिर्फ जो अगेंस्ट इंडिया था उसमें 4 विकेट उसने निकाल दिए, ठीक है। तो कोई बॉलिंग का भरोसा नहीं है असलान का, बस एक रख सकते हो कि लास्ट टाइम भी बॉलिंग करा के विकेट ले गया था, तो हो सकता है दशुन चरणका वापस से इस चीज़ को ट्राई कर ले, ठीक है। बाकी यहाँ सरंज डी सिल्वा है, ज़्यादा कुछ खास डी सिल्वा ने अगर देखा जाए तो अभी तक किया नहीं है, बाकी अगर आप लेना चाहो डी सिल्वा को तो वैसे ले सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, टीम में जगह बना पाओगे, बस आप शनाका या डी सिल्वा किसी एक को ही ले पाओगे, ठीक है। ये एक चीज़ रहने वाली है, शनाका भी अपने दिन पर भाई एक ही बार चला है, बाकी टाइम शनाका भी फ्लोप हुआ है, बट जहाँ तक मैं मानता हूँ शनाका से ज़्यादा बेटर है यहाँ से धनंजय डी सिल्वा। बाकी शाहन अराची के, यहाँ से महेश तीक्ष्ण बाहर हो चुके हैं, शाहन अराची के आए, उन्होंने अब तक 2 ODI खेले हैं, एक में 1 विकेट निकाला है, एक में 57 रन बनाए थे, जिसमें रन बनाए उसमें इन्होंने बॉलिंग नहीं डाली थी, ठीक है। तो एक एज एन ऑलराउंडर रहेंगे, ऑफ ब्रेक बॉलर है तो अराची के ही खेलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज टीम एक और चीज़ कर सकती है, यहाँ पर भाई किसी पेस बॉलर को खिला ले लाइक रजीता वगैरह को, ठीक है। बाकी दुनित वेला लगे जहाँ तक मशप के यहाँ से टीम में रहने वाले हैं, पथिराना और मधुशन में से आप किसी एक के साथ में जा सकते हो। अब अगर पथिराना का भी अगर एक ही मैच खराब गया है बीच में, जो कि वो भी अगेंस्ट इंडिया ही आया था, बाकी मधुशन की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही है, राइट आर्म मीडियम, 2 विकेट और 1 विकेट इन्होंने भी निकाले, ठीक है। जब ODI की बात करते हैं पिछले मैच में इनके नाम भी 2 विकेट थे, तो ये है श्रीलंका की तरफ से प्लेइंग 11। बाकी अगर इधर से बेंच की बात करें, कसुम रजीता है इनके पास में, दिमुत करुणारत्ने, बिनोरा फर्नांडो एंड इवन दशुन हेमंता रहने वाले, हेमंता ने भी 2 ODI खेले, एक में 22 रन 0 विकेट है, एक में 2 विकेट निकाले थे। बाकी इस वेन्यू की बात करें तो 123 मैचेस 76 जीती है श्रीलंका और 40 मैचेस हारे हैं, वहीं इंडिया का रिकॉर्ड भी थोड़ा 50-50 रहा है, 49 मैचेस में 25 जीते हैं, 20 मैचेस ये भी आपको हारते हुए से जो दिख जाते हैं, ठीक है। वहीं आगे नेक्स्ट निकलकर जो हम बात करते हैं भाई रन्स की, तो विराट कोहली ऑब्वियसली सबसे ऊपर है, 100+ का एवरेज है विराट कोहली का, 10 मैच में 644 रन्स है इनके नाम, 107 के एवरेज के साथ में। बाकी कुशल मेंडिस है, 14 मैच में 652 रन्स, इस ग्राउंड के हाईएस्ट रन स्कोरर, 54 के एवरेज के साथ में। अब देखो वही है, मेंडिस वही है, इस ग्राउंड पर बढ़िया खेलते हैं, बट जब बात अगेंस्ट इंडिया खेलने की आती है तो वहाँ थोड़ा सा मात खा जाते हैं। नहीं, चरित असलान का 12 मैच में 541 रन है, 54 का ही एवरेज इनका रहता है। बाकी धनंजय डी सिल्वा 16 मैच में 348 है, 23 का एवरेज है। देन रोहित शर्मा है 12 मैच में 305, 27 के एवरेज के साथ में। हालांकि वही है कि रोहित शर्मा का एवरेज थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो गया, हालांकि वहीं पर वापस आ गया एवरेज तो पिछले मैच में 0 पर आउट होकर, बट हाँ परफॉर्मेंस देखने को मिल गया रोहित शर्मा की तरफ से इस ग्राउंड पर। कुशल परेरा है 16 मैच में 538 रन, 33 के एवरेज के साथ में। पातुम निशान का है भाई 6 मैच में 227 रन है और 37 का एवरेज है यहाँ से। तो कुशल परेरा और पातुम निशान का किसी भी एक को ले सकते हो, बस वही है कि इनकेस अगर सुंदर खेला तो मैं बोलूँगा पातुम निशान का इज़ द ओनली चॉइस, बट हाँ अगर सुंदर नहीं खेलता है तो परेरा या पातुम निशान का कोई भी है,
ठीक है। बाकी वेन्यू लीडर्स में बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो कुलदीप यादव इस ग्राउंड पर है हाईएस्ट विकेट टेकर, 6 मैच में 14 विकेट के साथ में। पथिराना के हैं भाई 3 मैच में 6 विकेट्स। धनंजय डी सिल्वा 15 मैच में 10 विकेट। डी सिल्वा के लिए ग्राउंड थोड़ा सा बेकार रहा है। बाकी दशन शनाका के भी 10 मैच में 9 विकेट्स है। एंड वहीं वेला लगे की बात करें तो 6 मैच में 12 विकेट यहां से आपको दुनित वेला लगे की देखने को मिल जाते हैं। बुमराह 4 मैच में 7 विकेट है और हार्दिक पांड्या के इस ग्राउंड पर 6 मैच में 6 विकेट रहते हैं। तो ये है हमारे भाई वेन्यू लीडर जो बॉलिंग सेक्शन से निकल कर आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हेड टू हेड की बात करें तो 166 मैचेस जिसमें 97 है इंडिया के और 57 है श्रीलंका के। ऑलरेडी इस पूरे एशिया कप में एक बार दोनों टीम आमने सामने हो चुकी है जिसमें कि इंडियन टीम बड़ी आसानी से टारगेट को डिफेंड करते वक्त जीत गई थी। अब अगर हम हेड टू हेड लीडर्स में रन्स की बात करें तो सारे इंडियन प्लेयर्स ही देखने को मिलते हैं। वैसे रोहित शर्मा 49 मैच में 1800 रन्स है 46 के एवरेज के साथ में। विराट कोहली 40 मैच में 2500 रन्स है 62 के एवरेज के साथ में, ठीक है। श्रेयस अय्यर 6 मैच 256 रन 42 का एवरेज है। केएल राहुल की बात करें 8 मैच में 288 41 का एवरेज केएल राहुल का भी है। अब केएल राहुल ईशान किशन में आई थिंक केएल राहुल ज़्यादा बेटर है, एवरेज देखकर भी पता लग गया होगा। बाकी गिल है 4 मैच में 226 56 के एवरेज के साथ में और जडेजा है 18 मैच में 348 38 के एवरेज के साथ में। हालांकि जडेजा ODI में उतने रन बनाते नहीं, कभी कभार बनाते, ठीक है, जब बनाते तो भाई टीम को मुसीबत से निकाल लेते हैं, बट फिलहाल उतने रन देखने को मिल नहीं रहे। तो एज अ बॉलर ही मैं बोलूँगा जडेजा को कंसिडर करना। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो जड्डू के विकेट सबसे ज़्यादा है, 27 मैच में 27 विकेट है। और उसके अलावा बुमराह भाई तो आग उगलते हैं एकदम, जब भी अगेंस्ट श्रीलंका खेलते हैं 11 मैच में 24 विकेट आपको बुमराह के देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि ओपनिंग उतनी ज़्यादा ना चले यहाँ श्रीलंका की। अक्षर पटेल के 12 मैच में 18 विकेट्स है। कुलदीप यादव के 9 मैच में 18 विकेट आपको देखने को मिलते हैं। कुलदीप यादव का वेन्यू देखो, कुलदीप यादव का हेड टू हेड देखो, रिसेंट फॉर्म देखो, सब फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या 15 मैच में 12 विकेट, सिराज के 4 मैच में 10 विकेट हैं और रजिता आते हैं 6 मैच में 8 विकेट के साथ में। तो ये रहते हैं हमारे हेड टू हेड लीडर्स। वहीं अगर बात करें भाई प्लेयर बैटल की, दशन शनिका जो है वो अगेंस्ट कुलदीप यादव 30 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं। हो सकता है कि मारने के चक्कर में आज वापस जल्दी आउट हो जाए। और उसके अलावा यहाँ से कुशल मैंडिस है जो अगेंस्ट सिराज 15 बॉल में 8 रन बनाकर 2 बार आउट हो चुके हैं, ठीक है। एक और है असलान का भी अगेंस्ट कुलदीप यादव आउट हुए हैं, बट वो 68 बॉल में, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत है मेरे को लगता नहीं कि भाई 60-70 बॉल में अगर 2 बार आउट हो रहा है तो चलो ठीक है, डिसेंट है, ठीक है। उसके अलावा टीम की बात करें, टीम है माइलन सर्कल की, और नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माइलन सर्कल का, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना और गाड़ी जीतने का मौका आपके पास में रहेगा इस मैच में। बाकी जब आप फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा और साथ साथ बोनस भी मिलेगा, तो मिस नहीं करूँगा। बाकी बात करें देखो टीम की, केएल राहुल और कुशल मैंडिस है। अब मैंने मैंडिस को अभी के लिए रख लिया, मैंडिस की जगह पर बड़ी सिंपल चॉइस है यहाँ से धनंजय डी सिल्वा या फिर दशन शनाका आप जो ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक को आप ले सकते हो मैंडिस को हटा के। बाकी उसके अलावा गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, समारा विक्रमा, जडेजा एंड वेला लगे हो गए। उसके बाद में बॉलर सेक्शन में कुलदीप यादव, बुमराह एंड देन पथिराना को मैंने रखा। कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन क्या है विराट को, वाइस कैप्टन क्या है कुलदीप यादव को। कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में मैं इस मैच में सेफ गया हूँ। बाकी आप यहाँ से क्या चेंज कर सकते हो, आप पथिराना की जगह पर रजिता इनकेस अगर खेलता है तो उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वेला लगे हमने ऑलरेडी ले लिया, समारा विक्रमा जैसा बोल रहा था कि बाकियों से ज़्यादा बेहतर पिक मेरे को समारा विक्रमा लगा तो उसको टीम में रखा हुआ है। तो ये आते हैं आज के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है फटाफट से कर लो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।